अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। एक एक्सरसाइज है कि पहले कंप्लीट की है इसकी, आज हम थार पढ़ने जा रहे हैं। हमारी थार है एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, और एन आइसोसेलस ट्रायंगल। पहले ही लेक्चर में हमने बताया था ऐसा सदस्य ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा सदस्य ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड्स, ओनली टू साइड्स इक्वल होंगे। तो हमें यही बताना है इनके जो अपोजिट इक्वल साइड्स है वो हमें बताना है। ये दोनों साइड इक्वल है, हमें बताना है ये एंगल और ये एंगल ए बी सी। हमारे पास जो गिवन है ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, और साथ में हमें ये भी पता है ए बी इक्वल टू ए सी। यहां से एक बाइसेक्टर, हम साइड बाइसेक्टर जो बी सी को बाइसेक्ट करें ए डी डाल देंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जो बीसी को टच करता है डी पे, तो हम बताएंगे क्योंकि बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर है बीसी का, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल। हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी। प्रूफ में हम बताएंगे हमने एंगल बाइसेक्टर डाला है इसमें ए डी, तो हम बता सकते हैं एंगल बाइसेक्टर ए डी डाला है ए में, तो हम बताएंगे बी ए डी इक्वल टू डी ए सी आर सी ए डी। तो हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन की है हम लोगों ने, हम बता सकते हैं यहां पे ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारा गिवन है। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। ए बी ए
सी इक्वल टू गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल टू डी ए सी, क्योंकि हमने ए डी एंगल बाइसेक्टर डाला कंस्ट्रक्ट किया है, तो हम साथ में ही बता सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी, ए बी डी में भी ए डी है, ए डी सी में भी ए डी है, तो हम बताएंगे ए बी डी इक्वल टू ए डी काम। By S side, angle side, congruency rule हम बता सकते हैं, ये दोनों जो triangle है ABD congruent triangle ADC, उसके साथ ही हम बता सकते हैं angle ABD equal to और ABC equal to ACB congruent parts of corresponding parts of congruent triangle. By SAS congruency rule, triangle ABD congruence triangle ACD. Then angle B equal to or ABC equal to angle ACD or B, angle ACD or ACB by CPC corresponding parts of congruent triangle, तो हम बता सकते हैं ये एंगल और ये एंगल सेम होगा और हमें प्रूव भी यही करना था। अब हमारे पास दूसरी धारा है जिसमें हमें दिया गया है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल, अब हमें बताना है एंगल दो हमारे जो अपोजिट है हम बताएंगे वो सेम है, गिवन दिया गया है, हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि जो उनके साइड्स है वो भी सेम होंगे। ए बी सी हमारे पास इस वक्त गिवन दिया गया है, ये एंगल सी हमें प्रूव करना है, ये वाला साइड अपोजिट साइड जो इनके है ये वाला साइड ए बी इक्वल ए सी हमारे पास गिवन है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी हमें प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी हम थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इस एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर डाल देंगे, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हम डाल देंगे ए डी, एंगल बाइसेक्टर हम डाल देंगे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ए डी जो कि इस एंगल ए का बी ए सी का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होगा, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ड्रा ए डी एक
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है हमें पता ही है कि ये वाला एंगल सेम होगा। अगर साइड बाइसेक्टर होगा तो ये वाला साइड सेम होगा। मगर हमने इस वक्त कंस्ट्रक्शन में बताया है कि जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया है एंगल। तो हम प्रूव में बताएंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हमारे पास गिवन दिया गया है। साथ में ही हमने कंस्ट्रक्ट जो किया है हम बता सकते हैं बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। और हम साथ में ही बताएंगे ए डी क्योंकि कॉमन है बोथ ट्रायंगल्स में, हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। By AAS, congruency action. By AAS, congruency rule. Triangle ABD congruent to triangle A. Therefore, AB equal to AC, CBC. हमें यही प्रूव करना था AB equal to AC। ये हमारे पास दो फॉर्मूस थे। Angles opposite equal sides of an isosceles triangle are equal। और दूसरी ये वाली sides opposite equal angles of an isosceles triangle are। ये हमने टू फॉर्मूस को प्रूव किया है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल, हमारे पास एक आइसोसेलस ट्रायंगल दिया गया है। ए बी इक्वल टू ए सी, ये साइड सी isosceles triangle। साथ में दिया गया है the angle bisector of B and angle bisector of C। intersects each other at O। हमें प्रूव करना है साथ में ज्वाइंट AO हमें जो प्रूव करना है गिवन दिया गया है ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ए बी वायर ए बी इक्वल टू ए सी। टू प्रूव करना है हमें
एक बार कोसी और साथ में हमें बताना है ए ओ इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बाइसेक्टर्स एंगल बी ए सी। ये दोनों हमें प्रूव करना है। हमारे पास एक ऐसा सदस्य ट्रायंगल है जिसमें ये टू साइड्स है जो ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, हमें प्रूव करना है। और साथ में ये भी बताया गया है ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। तो हमें बताना है ओ बी इक्वल टू ओ सी और साथ में दूसरा पॉइंट हमें बताना है ओ ए बाइसेक्टर्स एंगल बी ए। क्योंकि हमें पता है ए बी इक्वल टू ए सी इन एन ऐसा सदस्य ट्रायंगल जब अपोजिट जब टू साइड्स इक्वल होंगे। अभी हमने धारण कर ली कि उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ए बी इक्वल टू ए सी देन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी हमें प्रूव करना है। ये हमने बता दिया क्योंकि अभी हमने थार्म की थी, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी उनके इक्वल ही होंगे। हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, ये भी बता सकते हैं। तो उससे हम प्रूव करेंगे ए बी सी का हाफ इक्वल टू ओ बी सी एंगल ओ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ओ सी दिस एंगल आर इक्वल। क्योंकि आप हमें पता है ये एंगल और ये एंगल सेम है तो हम बता सकते हैं क्योंकि एंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल। जो उनके अपोजिट साइड्स हैं वो भी हम बता सकते हैं कि ये भी इक्वल है। देन ओ बी इक्वल टू ओ सी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो हमें पता चला ओ बी इक्वल टू ओ सी। साथ में हम बता सकते हैं क्योंकि एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी उनके हाफ भी सेम है तो हम साथ में ही बता सकते हैं आल्सो एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी। यहां से हमें निकल के आ रहा है अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो हम बताएंगे ये एंगल और ये एंगल भी सेम ही होगा। तो हम यहां पे प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास जो है। साथ में ही हम बता सकते हैं एंगल ए बी ओ एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ जो हमने यहां पे प्रूव किया प्रूव। और साथ में ही साइड ओ बी इक्वल टू ओ सी जो हमने यहां पे प्रूव किया। तो हम बता सकते हैं बाय एस ए
एज कॉन्ग्रेंसी रूल ए बी ओ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी ओ बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी साथ में ही हमें बताना था कि ये जो एंगल है ए ओ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, तो हम बता सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये टू ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेट है, तो हम बताएंगे ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे CPC corresponding parts of congruent triangle. तो ये चीजें हमें प्रूव करनी है।